सन 1995। पापा की पुरानी साइकिल का वो पुराना टायर ही मेरे स्कूल की सवारी था। हर रोज मुझे उसी रास्ते से गुजरना होता था और हर रोज की तरह ही आज भी वो गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, लेकिन आज संयोग से वो गाड़ी रुक गई। अंकल आप मुझे यहाँ पे छोड़ दो, स्कूल की छुट्टी के बाद आप मुझे यहाँ से ले लेना। उस दिन पहली बार देखा था मैंने उसे, वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। दोस्त तुम्हारा स्कूल भी इधर ही है ना? हाँ इंदे ही है, बता। दोस्त मेरा स्कूल भी इधर ही है, क्या मैं तुम्हारी ये गाड़ी तुम्हारे साथ लेकर चलूं? हमने तो बंधा रखी जो तो देंगे, हम तो बैठते जाएंगे। दोस्त दिखा दो ना अपनी गाड़ी, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। अरे यार ऐसे ताप एक बार रहो, बेफालतू मजाक कर रहा। चलो तो तुम मेरे दूसरे भी ले लो। हाँ भाई ना लौंदे ताल पे। लेकिन एक बात और सुन ले, मेरा हमेशा तो खर्चा उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ जिंदगी भर तेरा खर्चा उठाऊंगा, अब तो दे दे। लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं। ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ, ऐसा हो नहीं। आज परसों लगा दे 10 रुपए की दौड़। चल लगा रहा, हम तो उस घर है, आ जा हाथ मिला ले। 1 2 3। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया कब कलरफुल हो गई कुछ पता ही नहीं चला। ले मन यार शर्त के 500, तू आज भी जीत गया। चल अपना ध्यान रखियो, चलता हूँ मैं यार। उसका यूं हार कर भी जीत जाना मुझे अच्छा लगता था। अक्सर वो मुझे पैसे देने के चक्कर में जीती हुई रेस भी हार जाया करता था। रेस हर बार भले ही मैं जीतता, लेकिन दिल हर बार वो। तेज तेज बुकी आप जानी ना चाहिए, रोज रोज आपस में खे जानी ना चाहिए। माड़ी बात होया करे नू तकरार की, पड़ोसी न जाना उसे थोड़ी प्यार की। अरे आज कैसे गांव का रास्ता भूल गए भैया? अरे रास्ता क्या यार, तेरे को एक बात बताने आया था। बात बता। अरे यार पापा ने ना बेंगलोर एडमिशन करवा दिया है, मेरे को वहां जाना है। तो ये तो बढ़िया बात है। नहीं यार मेरे को गांव अच्छा लगता है। और तू बता तू कहां पढ़ेगा? मेरा पढ़ने का तो यार इस बार ऐसा ही है, पापा बीमार रहते हैं, 12वीं कर ली, अपना खेती देखेंगे। हाँ यार ये भी है। और तू ना परेशान मत हो ना, मैं तेरे को बात जरूर करा करूंगा फोन पे, ठीक है? बात करना, अपना ध्यान रखियो। ठीक है। अरे चला कहाँ आज, बुग्गी नहीं चलाएगा? नहीं यार आज मूड नहीं है। अब की मूड होगा बेटा, अब गाड़ी का स्टेयरिंग जो तेरे हाथ में आ गया। अरे यार तू भी ना। चल कोई नहीं, ध्यान रख। ठीक है अपना भी ध्यान रखियो। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द को छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं। हेलो। हाँ मन कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई, तू सुना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। कहाँ है? अरे कटाई करके आया हूँ यार, आराम कर रहा हूँ। ओके चल आजा, तेरे को तेरी होने वाली भाभी से मिलवाता हूँ, सिटी पार्क में बैठा हूँ आज। अच्छा आ लिया तो भाई ने लत्ता पैर का। क्या हुआ यार अब? कुछ नहीं। तुम यार बात बात पे तो नाराज हो जाते हो, तुम्हारी काम ही ऐसे है। चॉकलेट खानी है? नहीं मुझे नहीं खानी। लेके आया हूँ यार मैं तुम्हारे लिए। नहीं मुझे खानी ही नहीं। लो ना। प्लीज मुझे नहीं खानी। लो ना। अरे आ गया कमी ना। हाँ आ गया, तेरी हर चॉकलेट पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उधर। अच्छा ये है क्या भाभी? यार तू बिना कभी नहीं सुधरेगा। सुधरने को पैदा नहीं हुआ मैं। तो कैसी हो भाभी? अच्छी। चॉकलेट भी अच्छी है। लो तुम मेरी चॉकलेट खा लो। चॉकलेट भी होगी भाभी से मिल लिया, वो फटाफट 200 रुपए दे दा, वो बहुत जरूरी काम। ले तू पैसे ले।
रात चलाऊं कसी, मेरा खून पसीना ए कर वह तेरे रूम में चाले एसी, तू टिन फिन पूरी रहा करे मैं कुर्ता पजामा चूज करूं, मेरी बुलट लेन क्यों कात नहीं रे सिंपल फोन में यूज करूं। हेलो। हाँ मन, कहाँ है? अरे खेत पे हूँ यार। क्या कर रहा है खेत पे यार? अरे गेहूँ काट रहा हूँ यार, कटाई चल रही है। अरे मैं तो मूवी जा रहा था साक्षी के साथ। मूवी कौन सी? अरे अभी नई मूवी आई है ना, कलंक। तू भी बेटा दोस्ती पे कलंक की है, लड़की जिंदगी में आई तो दोस्त भूल गो। अरे तू भी आ जा यार, तेरे को कोई मना कर रहा है क्या? चल तो आ रहा हूँ, नए लत्ता पैर का। चल ठीक है, आ जा फिर। प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती भी है? मतलब तुमने फिर से अपने फ्रेंड को फोन कर दिया, हद होती है बिल्कुल ही। अरे साक्षी यार क्यों नाराज हो रही हो? वो कौन सा आ रहा है क्या? वो ऐसे ही मजाक कर रहा है यार। मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। ओह आगे देखो। अरे यार ये कमीन तो आ गया। ले भाई तैने बुलाया और हम चले आए। अब कुछ मक्का के दोने वाने ले रहे हो या ऐसे ही बैठे हो? बस हो गई तुम्हारी नौटंकी, चल मुझे भी जाना। यार अमन प्लीज यार, हमने दो ही टिकट लिए हैं, ये फिर बुरा मान जाएगी, तुझे फिर दिखा दूंगा। तुम क्यों जाओ, हम ही चले जाएंगे। ला 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 200 रुपए दे दे सफा से, 800 किराए वाले, हम चले। काट के कनेक्शन चला गया दूर, या जी हरा तभी अच्छी तरह लगन लगी हूर। फोरिया का टेंशन कटे तने दिल ते तो भाई सारे मत पक्का गिरते जरूर। कैसा दोस्त है तुम्हारा यार? तुम ना एक चीज के पीछे पड़ जाते हो। अरे क्या पीछे पड़ जाते हो, तुम खुद देखो, वो तुम्हें ठगता रहता है और तुम उसको पैसे देते रहते हो। यार वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार। अरे अच्छा दोस्त है तो क्या हुआ, वो तुमसे आज तो उसने 200 रुपए मांगे, तुमने उसको 200 रुपए दे दिए। यार शायद तुम ठीक कह रही हो, बट मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं यार। सोचा नहीं? ओह माय गॉड, तुम्हें अपना दोस्त चाहिए या मैं चाहिए, तो मुझे आज अपना डिसीजन बता दो। मुझे तो मेरे से ये तुम्हारी टैंट्रम झेले ही नहीं जाते। मैं वहां पे बैठी हूँ, मुझे अपना डिसीजन सोच के बता देना। वो उसका रूठ जाना, मेरा उसको मनाना, सिमट के एक पल में वो गुजरा है जमाना। सुनो। बोलो। मैंने ना फाइनल सोच लिया है। तो क्या सोचा तुमने? अब सिर्फ मैं और तुम, और कोई नहीं। खुश हो? हाँ। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अजय यार तन 500 रुपए दे दियो जल्दी। क्यों? क्यों जरूरत है? मो चाहिए यार। अमन क्या तरीका यार, जब देखो तेरे को पैसे पैसे पैसे। यार मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई एटीएम मशीन नहीं हूँ यार, मेरे से नहीं होता अभी इतना। तेरा बचपन से ना तू इतना बड़ा कर दिया, अब अपना हिसाब अपने आप देख यार। वो डील बचपन वाली वो भूल गया बेटा? अच्छा लड़की आई तो भूल गया सारी बातें। लेकिन एक बात और सुन ले, मेरा हमेशा तो खर्चा उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ जिंदगी भर तेरा खर्चा उठाऊंगा, अब तो दे दे। हाँ याद है वो डीलिंग, उसी डीलिंग के खातिर बचपन से आज तक तेरे को पैसे देता आया हूँ, और मैंने कभी उस पैसे का हिसाब नहीं मांगा। अगर अपना सब कुछ भी बेच के उस पैसे का हिसाब देने लगेगा ना, तो मेरा कर्जा कभी भी नहीं उतार पाएगा। अब मेरे से हाथ जुड़वा ले, निकल जा मेरी जिंदगी से। औकात देखी है तुमने अपनी? तुम जैसे लोग ना हमारे स्टैंडर्ड के भी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि हमेशा हाथ फैला के पैसे मांगने आ जाते हो। तुमसे कोई लड़की प्यार नहीं करेगी, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में कभी पैसे तो होते नहीं है, हमेशा इससे मांगने आ जाते हो बार बार पैसे। अब यहाँ पे खड़े खड़े क्या सुन रहे हो, निकलो यहाँ से। अरे पापा कैसा हरदम खौसम खास रहे हो? भैया तबीयत खराब हो रही है। तो दवाई ले लो। दवाई कौन तुम्हारी? दवाई ना, दवाई निमट गई। बहुत पैसा दो, मैं ले आऊं दवाई। पैसा होते तो मैं ले ही ना आता तो भाई। कंगे जाऊंगा भैया। तुम ऐसा करो, आराम करो।
मैं लेकर आऊं तब अपने दोस्त पैसों ले लूंगा पैसा। क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तो थे दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे जो बाकी है वो बात होगी कभी। यार साक्षी मैं आ रहा हूँ ना, ये गाड़ी कोई हवाई जहाज नहीं है, थोड़ा वेट कर लो प्लीज। हेलो जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना। बरसों हो गए बिछड़े अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। अरे पापा ये तो अमन था ना शायद। हाँ हाँ लगा तो मुझे भी ऐसा ही, रोकना एक बार। अरे कौन अमन, कैसा अमन, मंदिर के लिए लेट हो रहे हैं, चलो मंदिर चलते। अरे नहीं नहीं अजय बेटा उतर के देखना एक बार। हाँ, देखता हूँ मैं। अरे अमन ने तूने अपनी क्या हालत बना रखी यार, क्या हुआ तेरे को? सही हूँ यार मैं, मुझे क्या होता। कुछ तो बता यार, उस छोटी सी बात को लेकर अभी भी नाराज है तू? अरे नहीं यार मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकता हूँ भाई। नहीं यार तू पता नहीं कहाँ रहता है ना, दिख रहा है आजकल, क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? है कुछ नहीं यार बस मैं ठीक। कुछ बात है तो यार बताना मेरे साथ, शेयर कर यार। कोई बात नहीं भाई, ऐसी चोट लग गई थी मुझे थोड़ी सी, उसकी वजह से ऐसा। तू मेरे से ना जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है यार। यार भाई मैं तेरे से क्या छुपाऊंगा, कुछ भी नहीं है, तू खुश रह यार अपनी दुनिया में, खुश रह यार अपनी लाइफ। अमन बेटा आज मुझे सच्चाई बता लेने दो। नहीं अंकल नहीं, ऐसा कुछ मत करना। नहीं बेटा आज तक मुझे तेरे उस कसर में रोके रखा, आज मैं बता कर रहूंगा। अजय बेटा जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना। हेलो अजय कहाँ पर हो? अजय ना बेटा मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। अच्छा अंकल अजय से बात हो जाएगी क्या? बेटा हॉस्पिटल में है। क्यों क्या हो गया? बेटा उसका एक्सीडेंट हो गया। ओह शिट, अब मैं मूवी किसके साथ देखने जाऊंगी। कैसे हो अंकल ये सब? बेटा सुबह गाड़ी लेकर निकला, पुलिस का फोन आया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोल रहे उसकी आंखें चली गई है, अब वो कभी नहीं देख पाएगा बेटा। ऐसे कैसे नहीं देख पाएगा, एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं अंकल। ठीक है बेटा। वैसे देखिए जो आपका पेशेंट है इसकी आंखों की रोशनी हमने खूब कोशिश की है पर वापस नहीं आ पा रही है, जो हम एफर्ट कर सकते थे हमने अपनी तरफ से खूब किया है। तो अब एक ही ऑप्शन है इसका कि कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड इसको आंखें डोनेट करें, सब कुछ चांसेस हैं अदरवाइज। डॉक्टर साहब मैंने कई बार बोला मेरी आंखें ले लीजिए,
देखिए अंकल, मैंने आपको पहले ही बताया था आपको डायबिटीज है, हम आपकी आंखें नहीं ले सकते। देखिए डॉक्टर साहब, आपको दुनिया का जो डॉक्टर बुलाना हो बुला लीजिए, पर मेरे दोस्त की आंखें ठीक होनी चाहिए। आप कहते हो उसे अगर कोई आंखें दान कर दे, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, तो कोई और क्यों? मैं करूंगा अपने दोस्त को अपनी आंखें दान, मैं दूंगा उसे अपनी आंखें। कैसे भी डॉक्टर साहब, उसको उसकी रोशनी वापस दे दो। इन आंखों से देखेगा डॉक्टर मेरा दोस्त दुनिया, मेरी आंखें दे दो उसको प्लीज। बेटा तू अपनी क्यों जिंदगी दांव पर लगा है? अंकल ये जिंदगी उसी की दी हुई है मुझे, लेकिन आपको एक वादा मुझसे करना पड़ेगा। बोलो बेटा। मैंने ये सब किया कभी उसको आप बताओगे नहीं, अगर आप मुझे कुछ मानते हो तो प्लीज ये वादा करो। ठीक है बेटा, मैं ये वादा करता हूँ उसको कभी नहीं बताऊंगा। ये सब हुआ था उस दिन? अमन यार तूने ऐसा क्यों कर दिया यार? इंसान जब आपसे दूर चला जाता है इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता। दूर है पर दिल में तो है ना। अमन मुझे भी माफ कर दो, हो सके तो आज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना गलत बोला, इतना कुछ बोला, आई एम सॉरी। साक्षी ना, तुम कहती थी ना मुझसे कभी कोई प्यार नहीं करेगी, कोई मेरा कभी साथ नहीं देगी, तुम गलत साबित हुई। आज एक है जो मेरा हमेशा साथ देती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा कौन है वो? तुम्हें नहीं दिखाई देगी वो, तुम्हें नहीं समझ आएगा, लेकिन तुमने वो गाना तो सुना होगा ना, मेरी नजर से देखे तो तुझे यार नजर वो आए। मेरी नजर से देखना, तुम्हें जरूर नजर आएगी। चलता हूँ। ये अमन क्या बोलना चाह रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे यार तुम नहीं समझ पाओगी, उसने बोला था ना मेरी नजर से देखे तो यार नजर वो आए, उसकी नजरें मेरे पास हैं, उसके हाथ की वो वैसाखी देखो, वो उसका साथ हमेशा देती है। और हाँ तुमने मुझे मेरे दोस्त से जुदा करके अच्छा नहीं किया, वो भले ही तुम्हें माफ कर दे पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। साथ तेरा हर बात तेरी वो किस्से मुस्कुराने के, बस प्यार तेरा सच्चा सब रिश्ते हैं दिखावे के। मेरे आस पास रहना बनके हवा तू हरदम, जिंदा हूँ तेरी सांसों से सुन इल्तजा है हमदम। अखियां तू ही जचदा माही, अखियां तू ही जचदा। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो सब? दोस्तों वीडियो आपने देख ली होगी, कैसी लगी सबसे पहले तो कमेंट करके मुझे ये बताओ, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वो रेड वाला बटन दबा के बेल आइकन भी बजा देना। और दोस्तों मैंने नीचे इंस्टाग्राम के आईडी का नाम दिया है, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहां ढेर सारी बातें करेंगे। फेसबुक पेज का भी मैंने दिया है अमन भाटी नाम से ही फेसबुक पेज, वहां का पेज को भी फॉलो कर लो, लाइक कर लो, फिर वहां भी ढेर सारी बातें करेंगे। और अरे यार खेत को चल, सारे दिन फोन पे लगे रहे, दरौती को मो तेरी आ रहा हूं, यूरी दराते आ रहा हूं, मो पे है आ रहा हूं। तो दोस्तों कटाई चल रही है, मैं चल रहा हूं थोड़ा, बाकी आप आ जाओ इंस्टाग्राम पे बातें करेंगे। ऐसे ही है, फिर कभी चप्पल उप्पल आ जाओ उधर से। अच्छा जी राम राम, बाय, चलते हैं फिर।